किसी वायरस या ट्रोजन हॉर्स के आने का मतलब है कि आप किसी एक कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क पर एक ऐसा कोड चला रहे हैं जिसे कोई समझ नहीं पा रहा। वो रडार के नीचे भी चुपचाप अपना काम करता रहता है। ह्यूमन हैकर्स ने तो ये दिखा भी दिया है कि कंप्यूटर वायरस को काफी लंबे समय तक छिपाया जा सकता है। डक्सनेट वायरस को अमेरिका और इसराइल ने बड़े खुफिया तरीके से डिवेलप किया और चुपचाप ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के नेटवर्क में डाल दिया, जहां ये एक साल से ज्यादा वक्त तक छिपा रहा और इसने धीरे धीरे सैकड़ों यूरेनियम सेंट्रीफ्यूजेस को खराब कर दिया। ये उस प्लांट के कंट्रोल रूम को लगातार यही सिग्नल भेजता रहा कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इसका पता तब लगा जब 2010 में सेंट्रीफ्यूजेस पूरी तरह से खराब हो गए। किसी एडवांस सिविलाइजेशन का बनाया ऐसा कोई प्रोग्राम तो इससे कहीं ज्यादा लंबे समय तक हमारी नजरों से छिपा रह सकता है और वो ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। हो सकता है कि हम उसे कभी पहचान ही ना पाए, क्योंकि वो भी एक ऐसे कंप्यूटर कोड जैसा होगा जिसे हमने कभी देखा ही नहीं है और वो एक बिल्कुल ही अलग प्रजाति का होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे कुछ एलियन प्रोग्राम हमारी टेक्नोलॉजी में समा चुके हैं और वो हमारे नेटवर्क पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं? या फिर कहीं उससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एलियन ही हमारे नेटवर्क में डिजिटल लाइफ फॉर्म में समाए हैं? अगर ऐसा है तो ये साहब उन्हें ढूंढ निकालेंगे। क्या एलियन विजिटर पहले ही पृथ्वी पर आ चुके हैं? शायद वो आ चुके हैं और हम उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे। हो सकता है कि वो हार्ड मांस, मेटल या ऐसी किसी चीज के ना बने हो जिसे हम छू सकते हैं। अगर वो एलियन यहां डिजिटल लाइफ फॉर्म में हुए तो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के क्रिस अडामी एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। ये उस बॉर्डर की स्टडी कर रहे हैं जो उन जीवों के बीच बनी है जिन्हें हम जानते हैं और जैसे वो हो सकते हैं। हमें सबसे पहले तो एक ऐसी व्याख्या चाहिए जो इस बात पर निर्भर ना हो कि हम पृथ्वी पर जो जीवन देख रहे हैं वो सिर्फ वैसा ही है। जीवन है क्या? डिक्शनरी तो कहती है कि जीवन वो है जिसमें मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, स्टिमुलाई के प्रति रिएक्शन और रिप्रोडक्शन। जाहिर है पृथ्वी के सारे जीवों और पेड़ पौधों में जीवन है, मगर एक रोबोट के बारे में क्या कहेंगे? अगर आप इसे देखें तो ये भी मूव करता है। ये एक खास मकसद से मूव करता है, मगर उसके लिए इसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और इसे ये सब करता देखकर कुछ लोग जो इसके बारे में नहीं जानते वो तो यही पूछेंगे कि आखिर ये कैसा जीव है। रोबोट में एक और ऐसी चीज होती है जो क्रिस के मुताबिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ब्रह्मांड में चाहे जहां भी जीव है वो सभी इंफॉर्मेशन की वजह से बने हैं। वो इंफॉर्मेशन होती है किसी खास एनवायरनमेंट में कैसे रहना है, अगर वो ना हो तो जीव जिंदा नहीं रहेगा। हमारी दुनिया के बारे में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी जीनों में जमा है, और अपने डीएनए को समझने के बाद हम ये जानने लगे हैं कि जीवन का कोड कैसे लिखा जाता है। इन रोबोट के पास भी वो इन्फॉर्मेशन होती है जिनसे वो ये समझ लेते हैं कि किसी खास एनवायरनमेंट में कैसे रहना है, और वो इंस्ट्रक्शन उन्हें अपनी प्रोग्रामिंग से मिलते हैं। हम ये मान सकते हैं कि इस रोबोट में भी जान है, सिर्फ इस वजह से नहीं कि ये अपने जैसा दूसरा रोबोट बना सकता है, बल्कि ये अपनी प्रोग्रामिंग की कॉपी करके उसे उस रोबोट में भी डाल सकता है जिसे इसने बनाया है। अगर ये ऐसा करने लगता है तो ये रोबोटों की पूरी फौज खड़ी कर लेगा। लेकिन सच तो यही है कि इसमें जान नहीं है, इसे उन लोगों ने प्रोग्राम किया है जिन्होंने इसे बनाया था। जबकि वास्तविकता तो ये है कि ये रोबोट अगर चाहे तो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। चूंकि इस रोबोट के लिए हमारे सारे ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन बाहर से आ रहे हैं, इसलिए ये खुद अडेप्ट या इवॉल्व नहीं कर सकता। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी आर्टिफिशियल चीज में जान हो ही नहीं सकती। क्रिस मानते हैं कि एलियन डिजिटल लाइफ फॉर्म हर वो काम कर सकती है जो हम कर रहे हैं, और वो एक कंप्यूटर के अंदर रिसोर्सेस को कंज्यूम कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस और इवॉल्व भी कर सकते हैं। उन्हें ये बात इसलिए मालूम है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाए हैं। ये डिजिटल ऑर्गेनिज्म एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसे एडेनिव कहते हैं। इनमें से हर डॉट एक अवीडियन है जो अलग अलग रंग और प्रजाति को दर्शाता है।
ये भी काफी हद तक उन कंप्यूटर वायरस जैसे हैं जो रेप्लिकेट करते हैं और अपनी कॉपी बनाते हैं, मगर ये उनसे थोड़े अलग इसलिए हैं कि ये जब अपनी कॉपी बनाते हैं तो वो कॉपी खराब भी हो सकती है। वो एक तरह का म्यूटेशन होता है और वो कॉपियां डार्विनियन मैनर में इवॉल्व हो सकती हैं, वैसे ही जैसे हम एक पीट्री डिश में करते हैं, मगर इस मामले में वो डिजिटल ऑर्गेनिज्म होते हैं। किसी भी प्रजाति का सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके म्यूटेशन का रेट सही है या नहीं। जीरो म्यूटेशन का मतलब होता है कि अवीडियन सिर्फ अपनी कॉपी बनाएंगे, वो इवॉल्व नहीं होंगे। अगर म्यूटेशन ज्यादा हो गया तो नया वर्जन एक प्रोग्राम नहीं रह जाएगा, सिर्फ डेटा का कुछ रैंडम बिट ही रह जाएगा। क्रिस ने अपने वर्चुअल ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से प्रोग्राम किया है कि वो हर जनरेशन में म्यूटेट करे, मतलब ये कि अवीडियन खुद इवॉल्व कर सकते हैं। अगर डिजिटल एलियन सचमुच हैं, तो शायद क्रिस उन्हें उन प्रोग्राम के जरिए ढूंढ निकालें जो उनके बनाए जीवन के पैटर्न पर खरे हैं। उन्होंने हजारों साल तक हजारों कंप्यूटर्स पर रैंडम सर्च करने की बजाय सिर्फ एक कंप्यूटर पर एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम को सिर्फ 20 सेकंड में ढूंढ लिया। क्या क्रिस के पैटर्न से हमारे पृथ्वी के बाहर भी बायोलॉजिकल जीवन का पता लग सकता है? अब हम किसी भी सिस्टम में देख सकते हैं और उनमें जीवन के निशान ढूंढ सकते हैं और फिर उसमें नजर आने वाले पैटर्न से ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि वो खास पैटर्न एक इन्फॉर्मेशन है या फिर ऐसे ही कोई रैंडम पैटर्न बन गया है। हमें रैंडम पैटर्न तो बड़ी आसानी से कहीं भी नजर आ जाते हैं। हम किसी भी ग्रह पर जाएं तो वहां हमें ऐसे मॉलिक्यूल मिल जाएंगे जो रैंडमली बने हैं, लेकिन हमें वहां ये देखना चाहिए के उन मॉलिक्यूल में आखिर कितनी इंफॉर्मेशन जमा है, यानी वहां कितने लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल हैं, और फिर हम इंफॉर्मेशन थ्योरी के टूल का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं कि वो सचमुच किसी तरह की इंफॉर्मेशन है या नहीं। अगर है तो हम खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि वो कहां से आई है, क्योंकि इस बात की संभावना तो बहुत ही कम है कि वो मॉलिक्यूल सिर्फ इत्तेफाक से पैदा हुए। लेकिन कहीं वो एलियन हमसे हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर होने से भी ज्यादा करीब तो नहीं है?